हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और बहुत ही जैसे कि बिल्कुल मॉर्निंग होती है ना, वो वाला टाइम है जैसे कि हम सुबह में उठते हैं जिस टाइम पर। वैसे मैं 5 बजे से पहले ही उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद कान्हा जी को उठाती हूँ, है ना, फिर अपने कान्हा जी को बिठाती हूँ, फिर थोड़ी देर अपने कान्हा जी से बातें करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मंदिर की लाइट जलाती हूँ, है ना। तो कुछ छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो मैं मेरी नींद जो खुल जाती है वो 4:30 तक खुल जाती है। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। वैसे चाहे मैं बिस्तर पर लेट ही रहूं पर मुझे नींद नहीं आती। चाहे मुझे कितना ही लेट मैं सो जाऊं, रात को कितना ही लेट सो जाऊं, चाहे 1 बजे सोऊं चाहे 2 बजे सोऊं, पर पता नहीं मेरी आंखें खुल जाती है। क्योंकि ना मेरे दिमाग में वही चीज़ें रहती है कि अनुष्का को स्कूल जाना है, और ना ही मुझे किसी भी अलार्म लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही जैसे कि कोई जगाएगा, कुछ नहीं। मैं खुद से ही मेरे ना एकदम से मेरी आंखें खुल जाती है। और मैं टाइम जब भी देखती हूँ ना, जब मेरी आंखें खुलती हैं, टाइम खुलती हैं, टाइम वो ही होता है 4:30 के आसपास का टाइम होता है। तो सुबह वाले वो छोटे छोटे अपने कान्हा जी से बातें कर ली हैं, कान्हा जी को बिठा दिया है, मंदिर में लाइट जला दी हैं ये, और जैसे कि हमारा दूध आता है डेयरी से तो मुझे डिब्बा नीचे रख के आना पड़ता है, तो एक भैया लाते हैं तो मैं उसको भी नीचे रख के आ गई हूँ। तो ये सारे काम हमारे हो गए हैं और अभी मैं लग गई हूँ यहाँ पर अनुष्का के लंच की तैयारी करने के लिए। तो मैंने ना इधर चाय भी रख दी है गैस पर बनने के लिए, चाय भी साथ के साथ बन जाएगी, और यहाँ पर मैंने उसके लंच की भी तैयारी शुरू कर दी है। और फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी शुरू कर ही देते हैं, तो मैंने वीडियो भी शुरू कर दी है। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं पास्ता और मैक्रोनी, जो भी है मैं इनका नाम भूल जाती हूँ। मैं इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती हूँ कि इसका नाम क्या है। इसको पास्ता बोलते हैं उसको, हाँ जब मैं उस पर नाम देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, तब मेरी समझ में आ जाता है। लेकिन अभी सुबह सुबह मैंने मुझे इतनी जल्दी रहती है कि नाम पढ़ने का तो दिमाग में सोचने का भी नहीं आता है, क्योंकि ना जल्दी इतनी रहती है सुबह में, और वैसे भी इतनी जल्दी है भी नहीं, पर मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। क्योंकि मुझे रहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, नहा लो, तैयार हो जाओ, अनुष्का के पापा जी को भी जगाना, और बोलते रहते हैं कि अभी कोई जल्दी नहीं है, आराम से काम कर लो, कोई भी जल्दी नहीं है। और डेली ऐसा होता है कि मैं उनको बहुत जल्दी से वो कर देती हूँ, चाय पिला देती हूँ, अनुष्का को लंच भी दे देती हूँ, अनुष्का को भी जो थोड़ा बहुत खाती है खिला देती हूँ, और फिर उनको ना इंतज़ार करना पड़ता है यहाँ पर बैठ करके, इतनी जल्दी से मुझे रहता है, है ना। बस मुझे ये रहता है कि मेरी वजह से कोई भी लेट ना हो जाए, चाहे वो अनुष्का है, चाहे वो अनुष्का के पापा जी हैं, कोई भी हैं, है ना, तो रहता है मुझे। अभी यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर चाय भी बन रही है, और ये देखिए क्या है, ये मैक्रोनी है, पास्ता है, वो आप देख लेना, ये मैंने यहाँ पर बना दी है। और अभी मैं इनको ना प्लेट में ठंडा करूँगी, अभी ऐसे ही टिफ़िन में नहीं रखूँगी, क्योंकि ना अभी क्या है, अनुष्का की ये जो छुट्टी हो रही है स्कूल की बहुत जल्दी से हो रही है, बहुत जल्दी से, तो उसने मना कर दिया था कि मम्मा ज़्यादा वो मत रखना, बस थोड़ा सा ही रख देना, क्योंकि मेरी छुट्टी बहुत जल्दी से हो जाएगी। मैंने कहा कोई नहीं। इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है, टमाटर डाले हैं, आप चाहे जो भी आपका मन हो वो डाल सकते हैं सब्जियों में, मैंने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। और यहाँ पर भी चाय भी मैंने लगा करके तैयार कर दी है, तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। बिस्किट रख दिए हैं, अभी किसी का भी मन नहीं है कुछ भी खाने का। किसी कभी कभी मन होता है ना कि कुछ भी खाने का मन होता नहीं है सुबह में। आज अनुष्का के पापा जी भी मना कर रहे थे क्योंकि उनका मन नहीं था, वो लेट आए थे रात को, दूध वगैरह पिया था, तो उनका सुबह मन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया। मेरा मन तो इतनी सुबह होता ही नहीं है, हाँ 8 बजे के आसपास मेरा मन होता है फिर, तो इसीलिए फिर सभी ने चाय पी ली है। अनुष्का भी चली गई है, अनुष्का के पापा जी भी चले गए हैं, ये वो दोनों चले गए हैं, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने काम पर। मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले मैं इधर आ गई हूँ। उधर किचन का काम थोड़ा सा निपटाने के बाद होता है कि जैसे कि हम खाना बना कुछ भी काम करते हैं किचन में, किचन फैल जाता है, तो एकदम से उस तरह से ही नहीं छोड़ा जाता है। हाँ अगर बहुत ही ज़्यादा वो है कोई काम है तो फिर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो ही है कि थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है। तो वो सारे काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, बाल्टी ले ली है, झाड़ू ले ली है, जो भी अपने काम करने के जो भी सामान है वो ले लिए हैं, और मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ पर ना सीढ़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि जैसे ऊपर टंकी वगैरह में देखना होता है कभी कभी,
प्रॉब्लम आ जाती है तो वो देखनी होती है, तो ऊपर यहाँ से चले जाते हैं तो इधर की साइड ही लगाते हैं, क्योंकि ना वैसे तो दूसरी साइड से भी लगा सकते हैं पर उधर ना थोड़ा वही लगता है अजीब सा, यहीं से सही लगता है तो यहीं पर इसको लगा देते हैं। अभी मैं तभी ये बीच में खड़ी हुई है, इसीलिए कोई काम होता है तो इसको नीचे भी ले जाते हैं, कोई काम पड़ते ही रहते हैं, है ना, तो उसी वजह से। और अभी ये मैं इधर से भी धुलाई करने लगी हूँ, इधर की साइड रह गया है बस। और साथ के साथ ना जो भी हमारे ये पेड़ पौधे हैं, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, थोड़े से हैं, उनमें पानी इसी टाइम पर दे देती हूँ मैं। जब मैं इधर धुलाई करती हूँ ना, मैं ये वाला काम भी इधर साथ के साथ निपटा देती हूँ, क्योंकि ना अगर छोड़ देते हैं ना तो फिर नहीं हो पाता है, फिर भूल जाते हैं, आलस आ जाता है, फिर काम इतने निकल आते हैं कि इस काम पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए फिर मैं ये काम सुबह में साथ के साथ ही निपटा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर, और अभी यहाँ से देखिए धूप कितनी तेज़ आ रही है ना, पर्दे अभी इधर से हटा दिए हैं ना, तो धूप बहुत तेज़ और आ रही है, लेकिन पूरे पर्दे नहीं हटाए हैं तब भी आ रही है। यहाँ पर कपड़े भी सूखे हुए हैं, और ये पोचे का कपड़ा है जो मैंने इधर की साइड में डाल दिया है, क्योंकि ना जब हम कूलर में पानी डालते हैं तो उससे पानी गिरता है, ज़रूर गिरता है, चाहे हम कितनी ही उससे कर लें, लेकिन मुझसे तो गिर ही जाता है। और पानी जब गिरता है ना तो वो इधर उधर को जाता है, और फिर वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ना हो जाता है, भूल भी जाते हैं और ना ही दिखाई देता है। तो फिर क्या है कि अगर ज़रा सा भी पैर उस पर पड़ जाए ना, तो चप्पल जो होती है ना वो फिसल जाती है बहुत तेज़। तो इसीलिए मैं इस कपड़े को डाल देती हूँ जो कि भीग चुका है, तो फिर मैंने इधर डाल दिया है साइड में। वैसे भीग भी गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पोचा भी लगाएंगे तब भी ये भीगेगा ही, पर मैंने डाल दिया था ऐसे बीच में ना, फिर रखा हुआ भी अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा देर तक, जब काम हो जब डाल लो फिर हटा दो, है ना, तो वो सही लगता है। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ, जो कपड़े हैं यहाँ पर जो सूख गए हैं, जो रात हमने धुल करके सुखाए थे तो वो सूख गए हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो इनको भी उतार लेते हैं, जब सूख गए हैं तो फिर इनको यहाँ पर क्यों छोड़ना है ना। तो फिर मैंने वो कपड़े भी उतार लिए थे, कपड़े उतार करके रख दिए हैं, अभी तय नहीं की है क्योंकि इधर की साइड इकट्ठा कर दिए हैं, क्योंकि फिर कबूतर आते हैं वो कुछ ना कुछ गंदगी फैलाते हैं कपड़ों पर, वो गिर जाती है ना, फिर कपड़े धुले हुए भी बेकार हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं उनको जल्दी से उतार देती हूँ, मैंने कहा रख देते हैं, है ना। और वैसे भी अभी क्या हो रहा है 2 दिन से कि धूल धूल वाली हवा अब वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो घर में भी ना बहुत ज़्यादा धूल धूल सी हो रखी है, तो फिर कपड़ों पर भी वो आती ही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इनको हटा देते हैं यहाँ से। फिर झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू से क्या होता है, झाड़ते हैं, वो दीवार है, जाल है, जहाँ पर वो लगी हुई है, जाल लगा हुआ है, उधर से झाड़ू से झाड़ते हैं, तो फिर झाड़ू नहीं चलती है, कपड़े रहते हैं ना वहाँ तक। तो इसीलिए फिर वहाँ का काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, यहाँ पर जो भी बिस्तर थे उनकी मुझे तह करनी है, और बिस्तर की तह ना ये कुछ खेस एक दो ऐसे हैं जो पीछे के लिए रह जाते हैं, क्योंकि जब अनुष्का स्कूल जाती है उसके बाद मुझे जल्दी रहती है उधर धुलाई करने की, पशुओं का काम करने की, लाइट आ जाती है तो फिर मुझे ना इस काम की नहीं रहती, मुझे उन कामों की रहती है जो कि लाइट वाले होते हैं, जो कि धूप वाले होते हैं, जो कि मैं जल्दी से करना चाहती हूँ। मैं उन कामों को बहुत जल्दी से करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि ना उधर धूप आए और फिर धूप में ना हो जाता है थोड़ा सा, तो ये उधर के बाहर वाले काम निपट जाते हैं, तो फिर मैं अंदर आराम से काम करती रहती हूँ, बहुत आराम से। तो अभी यहाँ पर ये खेस हैं, इनकी तह कर दूंगी, तो इनको भी रख दूंगी यहाँ पर, ये बेड शीट झाड़ूंगी, बेड शीट को भी झाड़ करके लगा दूंगी, ये काम भी ख़त्म कर दूंगी। यहाँ पर वो चाय पी है तो बिस्किट लिए थे, उसका डब्बा रखा हुआ है, इसमें नमकीन भी है, मैं इसलिए लेकर के आ गई थी डब्बे को, वैसे तो मैं बिस्किट ही लेकर के आई थी, लेकिन अगर मन होगा अनुष्का के पापा जी का या अनुष्का का तो फिर वो थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया था, बिस्किट ही खाए थे। तो अभी यहाँ से ये डब्बा हटाना, ये सारी चीज़ें हटाना अभी ना काफ़ी टाइम लगेगा, और इस रूम में तो सबसे ज़्यादा वैसे भी मुझे टाइम लगता ही लगता है। और जब मैं यहाँ पर बेड साफ़ कर रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा धूल दिखाई दे रही थी, ये खिड़की ना रात के टाइम हम खोल लेते हैं, तो रात को बहुत तेज़ हवा चली थी, बहुत तेज़ हवा चली थी, तो उसकी वजह से धूल धूल हो रखी है। कल से तो कम है, कल तो बहुत ही तेज़ आई थी हवा, लेकिन आज थोड़ा कम थी तो कम है। तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं झाड़ करके बिछा करके इनको अभी अच्छे से सेट कर दूँगी, लगा दूँगी, और मैं सोच रही हूँ कि लाइट आएगी तो फिर ये बेड शीट भी मैं डाल दूँगी। उस दिन मैंने दूसरी वाली बेड शीट डाली थी और इसको धुला था, जब मैंने इसको धुला था और वो डाली थी उसी दिन पता नहीं मुझसे क्या फैल गया था, मुझसे फैला था शायद अनुष्का के पापा जी से ही फैला था, हाँ चाय फैली थी, शाम के टाइम हम चाय पी रहे थे तो उनसे पूरी चाय इस पर फैल गई थी, फिर
फिर वो बेड शीट मैंने हटा दी थी, मैंने उसी दिन फिर ये धुली थी, शाम को फिर से यही बिछा दी थी। तो आप सोचोगे कि बेड शीट हटाती ही नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हटाई थी लेकिन उसी दिन वापस मुझे ये काम फिर से करना पड़ा। तो हो जाता है, अभी यहाँ पर ये बेड शीट मैंने झाड़ ली है और बिछा दी है। ये तो रूम को अच्छे से सेट कर दिया है, जो भी कपड़े इधर उधर रखने थे वो रख दिए हैं, इसकी डस्टिंग कर दी है, जो भी डस्टिंग होनी थी वो पूरी हो गई है, पूरा काम खत्म हो गया है इस वाले रूम का। वैसे काम तो इसमें चलेगा लेकिन अभी जो झाड़ू लगाने तक का काम था वो इसका ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो झाड़ू भी लगा देते हैं और अभी उसके बाद पोछा लगाना है। काम तो ना पूरे दिन ख़त्म नहीं होता है, पूरे दिन काम ख़त्म हो ही नहीं सकता है। अनुष्का स्कूल से आ जाती है, अनुष्का के पापा जी अपने काम से आ जाते हैं, लेकिन ना वो सोचते होंगे अपने मन में कि ये तो इसने तो आराम भी कर लिया होगा बीच में, लेकिन नहीं हो पाता है। मैं जब तक वो आते हैं तब तक काम से ही लगी ही रहती हूँ, काम होते ही रहते हैं। और उनके आने के बाद फिर उनको खाना देना है ना, फिर क्या होता है कि खाना देते हैं, फिर बर्तन साफ़ करते हैं, किचन साफ़ करते हैं, तो वो ही काम करते करते वो आ करके आराम कर लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसके बाद जा कर के आराम करती हूँ। बहुत हो जाता है ना घर में, बहुत ज़्यादा काम हो ही जाता है। और अभी यहाँ पर ये खिड़की मैंने खोल ली है, वैसे मैंने इसको कल भी साफ़ किया था लेकिन मुझे लग रहा था कि आज भी इस पर धूल बैठी हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ इस पर कपड़ा भी लगा लेते हैं। और ये ना जो हम लगाते हैं इसकी क्या बोलते हैं कुंदी, तो कुंदी चटकनी पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, तो ये ना थोड़ी दिक्कत करती हैं, लगती नहीं है इतने आराम से, तो इनको भी बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है। अगर ज़्यादा तेज या इधर उधर करके लगा दिया ना तो फिर हाथ में भी लग जाती हैं, जो कि मेरे ना पहले कई बार पहले लग भी चुकी हैं। तो जब भी मैं इनको लगाती हूँ खोलती हूँ, एक दो खिड़की ऐसी हैं जिनसे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और कुछ ऐसी भी हैं कि नहीं करती हैं प्रॉब्लम, तो होती हैं है ना। तो अभी यहाँ पर ये देखा तो इस पर भी इतनी ज़्यादा धूल बैठी हुई थी, वैसे मैं डेली इसकी सफाई भी करती हूँ, और इसका मैं सोच भी रही हूँ कि इसके नीचे ना कुछ ऐसी चीज़ रखूँ जिससे कि ना झाड़ू इसके नीचे से भी लग जाए। फिर ना मुझे ये हटाना पड़ता है, जब मैं इसे हटाती हूँ इधर उधर करती हूँ तो इसके तार हिल जाते हैं, फिर ये ना चलता नहीं है, फिर इसको अच्छे से फिर वही उस तरह से इसको सेट करना पड़ता है, फिर डेली डेली ना हो जाता है, डेली डेली चीज़ें ख़राब होती हैं, तो फिर वही लगता है। अभी झाड़ू पूरे घर में लगा दी है मैंने और वैसे जो भी काम है मेरे हो गए हैं। अभी काम रह गया है खाना बनाने का, तो जब तक मैं जा रही थी सब्जी कट करने के लिए तभी अनुष्का के पापा जी आ गए और बोले कि कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने सोचा कि चलो मैं तरबूज देती हूँ, वैसे मैंने इनसे पूछा था कि लस्सी बना दूँ दही की, तो ये बोले कि नहीं मुझे तरबूज दे दो, क्योंकि इन्हें तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही मन से खाते हैं ये। तो मैंने कहा चलो, अनुष्का भी बहुत खाती है, मैं तो कम ही खाती हूँ, तरबूज तो मुझे वैसे भी कम पसंद है पर खा लेती हूँ है ना। तो अभी मैंने यहाँ पर कट किया है तरबूज को, मैंने कहा चलो इसको कट करते हैं, काला नमक डालते हैं। काला नमक ना मैंने अभी डब्बे में डाला है, पहला जो था वो ख़त्म हो चुका है, वो कम था, और अब की बार अनुष्का के पापा जी बड़ी थैली लेकर के आए हैं तो फिर इस डब्बे में आई है, तो मैंने इसको खाली किया था। इसमें किशमिश थी तो वो कम थी और ये ज़्यादा था, तो मैंने इसी में डाल लिया है, उनको छोटे डब्बे में करके रख दिया है। तो अभी तरबूज को कट करूँगी और साथ के साथ ये छिलके हैं ना इनको भी छोटा छोटा कट करके और मैं जो हमारे पशु हैं उनके लिए डाल दूँगी, तो वो खा लेते हैं, इनको साथ के साथ ही कट करके डाल देती हूँ। तो अभी मैंने ना पूरा जो तरबूज था वो काट लिया है, आधा ही था, आधा अनुष्का ने कल खा लिया था।
तो अभी इनको तरबूज दिया है, ये तरबूज खा रहे हैं, मैं इनसे बातें कर रही हूँ, दोनों बातें कर रहे हैं ये, और अपना अपना काम भी कर रहे हैं। वो तरबूज खा रहे हैं, वो उनका काम है, मैं कपड़ों की तह कर रही हूँ, ये मेरा काम है। फिर उन्होंने बोला कि आप भी खा लो, तो मैंने थोड़ा सा तरबूज खाया भी था उनके साथ, क्योंकि ना मैं कभी तरबूज ऐसी चीज़ें अलग से नहीं खाती हूँ, जैसे कि अभी अनुष्का नहीं है, अनुष्का के पापा जी नहीं, अगर ये होते हैं तो साथ में खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। अगर चीज़ें कुछ ज़्यादा पसंद होती हैं तो खा लेते हैं, और जो कम होती हैं ना, तो उनको तो किसी के साथ में ही थोड़ा बहुत खा लिया। तो अभी मैंने तरबूज खाया, फिर यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे जो मैंने तय करने के लिए रखे थे, तो फिर मैंने इनको भी तय किया। मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी भी कट कर लूँ, फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी ऐसा कट करने को तो कुछ है नहीं, बस सीताफल बनाना है मुझे, तो वो तो बहुत जल्दी से कट हो जाएगा साथ के साथ, तभी कर लूँगी। और ज़्यादातर मैं साथ के साथ ही करती हूँ, ऐसे बैठ करके तो मैं बहुत कम करती हूँ। उन चीज़ों को करती हूँ जैसे कि जो बहुत जिनमें टाइम लगता है, जैसे कि मैंने उस दिन ग्वाल की फली करी थी साफ, तो उनमें ना टाइम लगता है उन चीज़ों में, तो उनको टाइम देना पड़ता है उनके, अब बहुत देर तक उनको खड़े रहना तो लगता है ना, तो उनको तो मैं साफ कर लेती हूँ। अब सीताफल में क्या है, बहुत जल्दी से कट हो जाता है, तो उसके लिए क्या बैठना है ना। तो अभी वो सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने जो भी कपड़े तय किए थे वो रख दिए हैं जहाँ पर मुझे रखने थे। कुछ कपड़ों पर मैं प्रेस करने का भी सोच रही हूँ, तो अभी वो देखती हूँ अब करती हूँ, या फिर काम ख़त्म करने के बाद नहाने के बाद करूँगी, तो वो मैं अभी, क्योंकि प्रेस कपड़ों पर हो रखी है, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, जल्दी होती है तो फिर मैं ये पोछा छोड़ देती, पहले मैं कपड़ों पर प्रेस ही करती। जब मुझे ऐसा लगता है कि आज कोई जल्दी नहीं है, आराम से हो जाएगा, तो फिर मैं ये काम कर लेती हूँ। तो अभी देखूंगी, करूंगी तो सही, कुछ कपड़ों पर तो करूंगी, लेकिन यह है कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पर मैं, और जो कपड़े थे वो रख दिए हैं, अनुष्का के पापा जी चले गए हैं अपना तरबूज खा करके, वो चले गए। उसके बाद ना तरबूज खाने के बाद उन्होंने ना लस्सी पी, ना ही कुछ मांगा, और वो चले गए। मैंने कहा चलो कुछ खा जाते हैं ना बीच में, तो सही रहता है, क्योंकि कितना टाइम लग जाए पता नहीं चलता, जब काम करते हैं तो खेतों पर टाइम लग ही जाता है। तो चले गए हैं अभी वो खा करके, और मैं लग गई हूँ अपने काम पर, जो कि मेरा काम है, करना ज़रूरी है। जब तक मैं नहीं करूँगी काम होगा कैसे, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। जो भी बर्तन थे, जैसे कि मैंने वो कट किया था तरबूज, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं साथ के साथ, ये काम भी मैंने अपना ख़त्म कर दिया है। तो अभी पोछा लगा लेते हैं, और इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।